पहले नौ पॉइंट एक निर्देशांक ज्ञान थी, अपन ने कल कुछ क्वेश्चन किए थे, आगे की ओर चलते हैं। देखो अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल दूसरा कि क्या जाएगा, संभव त्रिभुज दिखाया जाएगा, क्योंकि संभव त्रिभुज दे रखा है। एग्जाम्पल दूसरा अपने पास देखो, एक दे रखा है संभव त्रिभुज, उस संभव त्रिभुज की जैसे भुजा दे रखी है, उसके शीर्षों के निर्देशांक अपन को याद बना दे रखा है संभव त्रिभुज। ये बिंदु दे रखा है अपन को x, ये x है, ठीक है, x प्लस ये क्या y, और ये क्या y है। देखो ये दे रखा है अपन को, इसका भुजा देखो, भुजा दे रखी है अपन को, संभव त्रिभुज की भुजा दे रखी है। क्या क्या दे रखा है अपन को, ये कि एक दे रखा संभव त्रिभुज दे रखा, देखा अपन को संभव त्रिभुज और संभव त्रिभुज की भुजा दे रखी है। देखो इसका नाम दे रखा अपन को ओ ए और बी, देखो संभव त्रिभुज जिसकी भुजा, जिसकी भुजा कितनी दे रखी है अपन को 2a, कितनी दे रखी है अपन को 2a दे रखी है। आगे पूछे कि निर्देशांक अपन को याद करना, देखो मूल बिंदु के निर्देशांक दे रखा अपन को 0 0, क्या दे रखा अपन को 0 0, मूल बिंदु अपन को बिंदु दे रखा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखा 0 0 दे रखा। और देखो एक बिंदु दे रखा अपन को 2a, तो a का मान कितना 2a, तो a 2a 0, x का मान कितना 2a और y का मान कितना 0 है अपने पास, तो कितना दे 2a दे रखा। देखो अपने क्या डाला कि OA पे, A OA पे क्या डाला, BM दम डाला, क्या डाला अपने दम डाला। देखो ये क्या आ गया अपने पास M, देख जब अपने पास OA रेखा दे रखी थी उस पे अपने B से क्या डाला, एक दम डाला M डाला, तो अपने पास देखो ये कितनी दे रखी है पूरी रेखा, OA कितनी दे रखी है अपन को 2A, कितनी दे रखी है अपन को 2A, तो देखो OA 2A दे रखी है, तो ये भी कितनी, OB भी कितनी 2A और OAB भी कितनी अपने पास 2A दे रखी है। और देखो ये A है तो M A, एम ए भी कितनी है ए, तो ये भी कितनी अपने पास ए है, ये भी कितनी है ए है, तो यहाँ से ओ एम से लेके ए दस दे रखी और एम से एक के मध्य, एम से एक मध्य कितने है, पूरी लंबाई अपन को दे रखी थी ना ओ और ए के, कितना टू ए दे रखा थे अपन, बात देखिए अपन ने जो ओ और ए देखा थी उस पर बी से अपन ने लम डाला, एम डाला, बी से क्या डाला अपने एम लम डाला। देखो तो अपने पास क्या बन गया, जो संभव त्रिभुज से उधर दे रखी है, देखो तो ओ ए क्या दे रखा अपन को ओ ए, ओ ए ए बी बराबर ओ बी कितना, इसका मान 2a, कितना देगा हमको 2a, देखो जो अपने पास दे रखा है तो ओ ए बराबर कितना ए बी बराबर ओ बी, इन दो तीनों का मान कितना कितना देगा अपन 2a के बराबर दे रहा है, कितने के बराबर देगा अपन को 2a के बराबर देगा। अब बिंदु बी से अपन क्या डाला, बिंदु बी से, बिंदु बी से ओ ए रेखा पर, ओ ए रेखा पर अपने क्या डाला, लंब डाला, क्या डाला अपने ओ ए रेखा पर लंब, क्या डाला बी एम, बी एम लंब बी एम डाला, जो अपने पास ओ ए रेखा थी उस पर अपने लंब क्या डाला, अपने बी एम लंब डाला। देखो आगे बात करें अपन, देखो तो अपने पास क्या दे रहेगा, जो ओ और एम, ओ और एम और ओ ए, देखो अपने पास पूरी भुजा की लंबाई ओ ए की लंबाई कितनी है 2a, कितनी है अपन 2a, तो देखो ए ओ ए की दूरी कितनी है 2a, तो अपने पास क्या है ओ एम, ओ एम और क्या एम ए बराबर, एम ए बराबर किसके मान दे रखा अपन ए, ये दोनों को किसके बराबर अपन ए के बाद रखे। तो देखो समकोण त्रिभुज, देखो अपने पास समकोण त्रिभुज को किससे रहेंगे ओ एम बी से, समकोण त्रिभुज ओ एम बी से, ओ एम बी से, तो ओ एम बी देखा, देखो त्रिभुज अपन ले ओ एम बी से, देखो तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो अपने पास क्या रहेगा, ओ बी बराबर ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एम, ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, जो त्रिभुज दे रखा अपन को, देखो अपने त्रिभुज कौन सा लिया ओ एम बी लिया अपन, ओ एम बी लिया तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर और एम बी का स्क्वायर, इन दोनों भुजाओं पर इस भुजा की इसी भुजा के बराबर दे रखा। देखो तो ओ बी का मान अपन कितना देगा, पहले से 2a, तो 2a का स्क्वायर
बराबर ओएम का मान कितना ए है, कितना देर का ओएम का मान ए, ए का स्क्वायर प्लस बीएम का स्क्वायर कितना देर का ए स्क्वायर, कितना हमने पास सॉरी बीएम का मान हमको दे देना बीएम का स्क्वायर दे देंगे, तो बीएम का स्क्वायर नहीं देगा अपन को, देखो अपन ने किया तो देखो टू ए कितना चार ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी एम स्क्वायर, देखो पक्षांतर में क्या हमने पास तो हो गया तो बी एम स्क्वायर बराबर चार ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, चार ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर तो बी एम स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास बी एम स्क्वायर, तो चार ए में से ए जाए कितना बचेगा तीन ए स्क्वायर, कितना बचेगा अपने पास तीन ए स्क्वायर बचेगा, देखो तो बी एम थ्री ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर तो बी एम बराबर अपने पास कितना होगा रूट थ्री ए स्क्वायर, तो बी एम का मान अपने पास कितना आ गया रूट थ्री ए, क्या पूछा था अपने निशान, क्या पूछा था अपन से निशान पूछा था, तो अपने पास एम बी का मान कितना आ गया अपने पास जीरो, तो अपने पास बिंदु आ गया अपने पास जीरो, कितने बिंदु आए दो बिंदु आए अपने पास, मूल बिंदु अपने को जीरो देखे देगा मूल बिंदु जीरो जीरो और इस पर टू ए अपने पास कितना आ गया ए वो थ्री ए स्क्वायर, ए और रूट थ्री ए आया अपने पास ए और रूट थ्री, जो अपने पास बिंदु आए अपने पास देखो ओ का मान अपने पास आए या बी का मान देखो अपने पास देखो निर्देशन हो गए निर्देशन, देखो ओ के अपने पास देगा जीरो 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 और जीरो, ए के देगा अपने टू ए और जीरो टू ए जीरो, तो बी का अपने पास कितना आ गया ए और रूट थ्री ए, अपने पास कितना आ गया ए और रूट थ्री ए, बी अपने पास बी का आ गया ए और रूट थ्री ए, अपन जी क्या निर्देशन देखो अपन को देगा संभव त्रिभुज, क्या देगा अपन अपन को एक संभव त्रिभुज देगा जिसकी भुजा अपन को टू ए देगी, क्या देखिए टू ए देखिए, देखो अपन ने क्या संभव त्रिभुज देगा था ये देगा था ओ ए बी देगा था ओ ए बी देगा था, अपन ने क्या जो ओ ए देखा देखिए जिसकी लंबाई निशान कितने टू ए, अपने मूल बिंदु के मान जीरो जीरो इसकी निशान कितने टू ओ ए डॉट जीरो, एक्स का मान कितना टू ए वाई का मान कितना जीरो जीरो और यहाँ पे कितना जीरो जीरो जीरो, देखो अपन ने क्या किया जो ओ ओ ए रेखा है ओ ए रेखा उसे बी से लंब डाला कितना अपने बी एम लंब डाला, देखो अपने पास जो देखिए देखो तीनों भुजा है ओ बी और ए बी ओ ए बराबर इसका मान कितना देगा अपन टू ए देगा कितना देगा टू ए, तो अपने बिंदु बी से ओ किस पे ओ ए रेखा पे ओ ए रेखा पर लंब डाला अपने बी एम लंब डाला, तो अपने पास देखो ओ एम और एम का मान कितना ए और ए इस पूरी लाइन का मान कितना टू ए देगा, तो अपने अपने इसका मान कितना हो गया दो भागो ए और ए हो गया, अपने इसमें क्या संपूर्ण त्रिभुज ओ एम बी से ओ एम बी से, तो देखो अपने पास पाइथागोरस प्रमेय से किया हमने तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का इसको बी एम का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एम का और अपने पास ओ एम का मान जाएगा लेकिन इसका मान है बी एम का मान अपने पास नहीं है, तो देखो अपने बी एम स्क्वायर का मान निकला बी एम का अपने पास कितना है रूट थ्री, तो बी के निशान अपने पास कितने आ गए ए और रूट थ्री है, अगर फिर देखो अपन को अगले क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर आर, देखो क्वेश्चन नंबर आर दे रखा है अपन ने बोला है चित्र कीजिए कि बिंदु अपन को बिंदु दे रखे हैं, देखो बिंदु दे रखे हैं अपन को एक और एक कितना एक माइनस का दो, एक माइनस का दो, एक माइनस का दो तीन जीरो माइनस का एक और जीरो दे रखा, वो क्या बोल रहा है कि एक वर्ग के शीर्ष है किसके अपन को देखा वर्ग, तो वर्ग में क्या वो चारों में समान होती है, क्या देखा अपन को वर्ग के शीर्ष, वर्ग के शीर्ष शीर्ष बिंदु देखा तुमको, देखो बता रहा है अपन को एक वर्ग के शीर्ष से, देखो एक बता रहा है बिंदु देखा और एक वर्ग, तो वर्ग देखा अपन को वर्ग के, देखो वर्ग में क्या होते हैं चारों चारों में समान होती है, वर्ग में क्या चारों में समान होती है, अपने पास वर्ग की बात करें देखो अपने पास बिंदु देखा एक बी सी ओ डी, देखो बिंदु बिंदु ए बी सी बिंदु ए बी सी, तो अपने पास देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल
अपने पास ये होता तो डी बराबर बैठे अंदर एक्स का मान कितना बनेगा तो ये कितना एक्स का एक कितना वाई का एक्स का कितना वाई का एक्स का मान कितना तीन माइनस का एक का स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना जीरो माइनस माइनस का प्लस का स्क्वायर तो जीरो माइनस का दो पहले से माइनस माइनस का प्लस का हो गया तो डी बराबर अपने पास कितना हो गया जरूर तीन में से एक कितना चार तीन सौ तीन में से कितना दो का स्क्वायर प्लस दो दो का स्क्वायर डी बराबर कितना गया अंडर रूट दो का स्क्वायर कितना चार प्लस का चार डी बराबर कितना हो गया अंडर रूट आठ अंडर रूट आठ का मान कितना दो रूट दो तो कैसे दो रूट पे से अपने पास चार आठ को दो बार में थोड़ा चार इंटू दो अपने पास अंडर रूट आठ था उसको दो बार में थोड़ा आप चार इंटू दो अपने पास इसका मान कितना आ गया दो अंडर रूट दो देखो बिंदु अपने ए बी सी हो गया बिंदु बी सी बिंदु बी सी से तो बी सी के मान दे रखा उनको बी सी के मान दे रखा उनको दो बिंदु बी के मान दे रखा तीन और जीरो और सी के दे रखे अपन को एक और दो दे रखा देखो तो वो बी सी दूरी निकाल डी बराबर अंडर रूट एच टू माइनस एच वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर देखो डी बराबर अपने पास हो गया अंडर रूट एच टू का मान देखो कितना रहेगा एट माइनस का तीन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन कितना देगा अपन को दो माइनस का जीरो का स्क्वायर देखो अपने पास इसका मान आ गया डी बराबर देखो तीन में से एक कितना दो का स्क्वायर अंडर रूट माइनस दो का स्क्वायर प्लस कितना आ गया दो का स्क्वायर देखो डी बराबर अपने पास कितना हो गया अंडर रूट चार प्लस का चार तो डी बराबर कितना हो गया अंडर रूट आठ डी बराबर कितना होंगे दो रूट दो बिंदु अपने पास ए बी हो गया बी सी हो गया अपने पास क्या हो गया सी डी बिंदु सी डी सी डी तो सी का मान अपने पास दे रखा है एक और दो दे रखा और डी का मान कितना दे रखा माइनस का एक और जीरो दे रखा माइनस का एक और जीरो दे रखा देखो सी और डी से देखो डी बराबर अपने पास अंडर रूट एच टू माइनस एच वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर माइनस का ए प्लस का ए तो माइनस का ए माइनस का ए प्लस का निशान वाई का मान कितना जीरो माइनस दो का स्क्वायर देखो डी बराबर अंडर रूट माइनस का ए माइनस का दो का स्क्वायर प्लस माइनस दो का स्क्वायर तो अपने पास आ गया डी बराबर अंडर रूट दो का स्क्वायर कितना चार प्लस का चार तो डी बराबर अपने पास कितना अंडर रूट आठ डी बराबर कितना गया अंडर रूट दो रूट दो देखो अपने पास ए का मान कितना आ गया दो रूट दो बी सी का मान कितना है दो रूट दो और सी डी का मान कितना अपने पास दो रूट दो आगे बात करें मैं बिंदु डी ए बिंदु डी ए से देखो डी के मान दे रखा अपन को माइनस का एक और जीरो और ए का मान दे रखा अपन को ए माइनस का दो दे रखा देखो बिंदु डी ए से बात करें अपन तो देखो दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी डी बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर देखो तो डी बराबर अपने पास हो गया अंडर रूट एक्स का मान कितना रहेगा अपन को एक माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई टू दो माइनस के दो माइनस के जीरो का स्क्वायर देखो डी बराबर अंडर रूट एक इसका अपने पास माइनस का ए और एक माइनस माइनस का हो गया प्लस का निशान तो अपने पास दो का स्क्वायर प्लस माइनस दो का स्क्वायर डी बराबर कितना अंडर रूट चार प्लस का चार डी बराबर कितना हो गया अंडर रूट आठ डी का मान कितना हो गया दो रूट दो देखो अपने पास क्या होता है आयत अपने पास क्या दे रखा है आयत दे रखा है क्या भर सकते क्या देखा अपन को वर्ग दे रखा क्या दे रखा अपन को वर्ग वर्ग में चर ऊर्जा समान होती है वर्ग में चर ऊर्जा क्या होती है समान होती है देखो ये अपन को ए बी सी और डी दे रखा ए बी और सी डी दे रखा देखो इसके बीकन होते हैं क्या होगी बीकन होंगे देखो अपन बात करें ए बी बराबर किसके होता है अपने पास बी सी के बराबर ए बी किसके बराबर होगा बी सी के बराबर देखो अपने पास जो बिंदु देखो जो ये वाली मुझे इसके बराबर होगी तो बी सी किसके बराबर ए डी के बराबर होगी तो देखो अपने पास क्या हो गया ए सी बराबर बी डी भाई बीकन है अपने पास ए सी बराबर बी डी अतः ए सी का इसका बराबर बी सी का इस पर देखो ए सी का मान अपने पास कितना रहेगा ए सी का अपने पास ए बी का ए और सी का मान कहाँ रहेगा अपने पास देखो सॉरी देखा ए बी बराबर ए डी
का स्क्वायर ले, AD का मान मेरे पास कितना दे रखा है अपन को, दो रूट दो, दो रूट दो का स्क्वायर बराबर, BC का मान मेरे पास कितना दे रखा है, BC का देखो, BC का मान कितना, दो रूट दो, दो रूट दो का स्क्वायर ले, ये अंडर रूट आठ है इसका मान का स्क्वायर बराबर, ये भी कितना अंडर रूट आठ है स्क्वायर, तो देखो बराबर कितना आठ बराबर आठ, अपने पास लिखना नहीं क्या बराबर है, देखो अपन को दे रखा था बिंदु एक कह देगा वर्ग, कह देखा अपन को वर्ग दे रखा था, वो वर्ग में क्या पूछ रहा था अपन को, एक वर्ग के शीर्ष है तो अपन चेंज करना था कि अपने वर्ग की चारों समान है या नहीं, बिंदु दे रखे चारों के समान है या नहीं है, तो अपन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता डी बराबर एच टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, देखो अपने बिंदु कौन सा लिया, ए बी लिया, इसका मान कितना दो रूट दो, किसी ने अपने बी सी लिया, इसका मान कितना दो रूट दो, फिर अपने क्या लिया सी डी लिया, इसका मान कितना दो रूट दो, अपने पास डी ए का मान भी कितना दो रूट दो, मतलब कि अपने पास जो चार होते हैं समान के ऊपर है क्या, वो चार होते समान होते हैं, अपन ने क्या किया कि जो AD का मान है AD बराबर अपने पास BC में, ये भी इसके बराबर ये भी इसके बराबर है, तो अपने पास AD बराबर BC का मान निकाला, AD बराबर BC का मान निकाला, तो AD का मान अपने पास कितना था दो रूट दो और BC का मान कितना दो रूट दो का स्क्वायर, तो अपने पास दोनों का मान कितना है आठ बराबर आठ, इसका मतलब विकर्ण क्या आपस में बराबर है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, बता रखा अपन को ये कि यदि P और Q के निशान अपन को बिंदु दे रखा, बिंदु P के निशान दे रखा अपन को, देखो A cos थीटा, A cos थीटा और B sin थीटा, B sin थीटा, और बता रखा अपन को Q के निशान अपन को माइनस का A sin थीटा, माइनस के A sin थीटा, आगे बता रखा अपन को ये B cos थीटा, B a square cos square theta plus b square
साइन स्क्वायर एक्स, इसको समीकरण नाम अपने क्या दे दिया, ये नाम दे दिया। देखो अगला बिंदु क्या रहेगा, अपन बिंदु ओ क्यू से, बिंदु ओ क्यू से ओ का मान दे रहेगा जीरो जीरो, और क्यू का मान दे रहेगा अपन को माइनस का ए साइन थीटा और बी कोस थीटा। देखो तो अपने पास वो हो गया ओ क्यू बराबर अपने पास अंडर रूट एच टू माइनस एच वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। देखो ओ क्यू स्क्वायर बराबर अपने पास हो गया ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो गया अंडर रूट एच टू का मान कितना रहेगा अपन को माइनस का ए साइन थीटा माइनस का जीरो का स्क्वायर प्लस का निशान बी कोस थीटा माइनस का जीरो का स्क्वायर। प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, समीकरण हमने कितना हो गया। देखो अपने पास समीकरण एक तो आ गया, समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर देखो समीकरण एक का अपने पास ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का निशान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो अपने पास मान दे रखा था ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो अपने इसको आगे पीछे किया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने क्या निकाले यहाँ से दोनों में से दोनों पदों में से क्या निकाला कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन निकाला हमने तो ए स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अपन यहाँ से क्या कॉमन निकाला बी स्क्वायर, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। देखो चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक होता है, तो अपने पास कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए इसका मान भी एक हो गया, इसका मान भी कितना हो गया एक हो गया, तो एक किसी को ना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अच्छा है ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इसी सिद्धम अपन से पूछा था। अपने को दे रखा था एक बिंदु दे रखा था ए कोस थीटा बी साइन थीटा और एक क्यू का दे रखा था ए साइन थीटा बी कोस थीटा और मूल बिंदु क्या देगा जीरो जीरो दे रखा था, अपन को सिद्ध करना था ओपी का स्क्वायर प्लस ओक्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अपन को ये चीज सिद्ध करनी थी। देखो तो अपन ओपी स्क्वायर बराबर क्या ओक्यू का स्क्वायर बिंदु ओपी से अपन ने मान निकाला तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है अपने बाद एच टू माइनस एच वन का स्क्वायर, अपन इसका मान कितना आ गया ओपी का स्क्वायर कितना ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर कितना है इसको ए। अपने पास के बिंदु ओ क्यू से लिया अपने ओ का मान कितना जीरो जीरो बी के मान कितना ए साइन थीटा बी कोस थीटा दे रखा था अपन को, इसका मान कितना है अपने पास ओ क्यू का मान ओ क्यू का मान कितना है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, समीकरण एक और दो था अपने पास दोनों जोड़ा अपने पास दोनों जोड़ने पर जो मान कितना है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपन ये पूछा था ओपी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर कितना है